नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 25 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 12:49 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शनि के साथ युति योग करने जा रहा है, उसी प्रकार नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, और आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दिन आपका काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। सिर्फ आज आप सोच सकते हो ज्यादा, हालांकि आपकी जो राशि है वो ज्यादा सोचती नहीं, मतलब कर्म करने पर ज्यादा विश्वास रखती है, लेकिन जो आज का जो विचार या फिर जो सोच होगी वो खास करके आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनके संदर्भ में होगी, और फैमिली मेंबर्स में भी खास करके आपकी जो माँ होगी उनके सेहत के बारे में आज आपके विचार ज्यादा तीव्र हो सकते हैं, या उनके संदर्भ में आपके मन में काफी ज्यादा विचार आ सकते हैं, जिसकी वजह से दिन वैसे देखा जाए तो नॉर्मल होगा, लेकिन मन में उनके संदर्भ में कुछ विचार आने के कारण थोड़ा सा निराश आज के दिन आप हो सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपका वैसे अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, और आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, और जो वृषभ राशि के व्यक्ति किसी व्याधि से त्रस्त है तो उनके लिए आज का जो दिन है थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज वगैरह ला सकता है। उसी प्रकार अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो इनलॉज होंगे, मतलब आपके जो ससुराल के लोग होंगे, उनसे थोड़ी बहुत मतलब विचारों में दरार वगैरह आ सकती है, या फिर थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, उसका बहुत बड़ा ऐसा परिणाम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन वैसे काफ़ी अच्छा होगा। जो व्यक्ति, जो मिथुन राशि के व्यक्ति विवाहित है, उनके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ अनबन तो नहीं होगी, लेकिन उनके संदर्भ में कुछ बहुत ज्यादा तीव्रतम विचार आ सकते हैं, काफी आप विचार कर सकते हैं उनके बारे में। थोड़े बहुत वो विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब आगे किस तरह से आपकी जो लाइफ है या फिर मैरिज लाइफ है वो किस तरह से चलेगी, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके संदर्भ में कुछ विचार तीव्रतम आ जाएंगे। नेगेटिव तो वो नहीं हो रहेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप सोचने वाले हो। तो मेरे ख्याल से दिन वैसे नॉर्मली बीतेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी, हालांकि आपके मन में हमेशा कोई ना कोई तो विचार चलता रहता है, तो आज के दिन यह विचार ज्यादा करके आपके मन में आएगा, लेकिन दिन आपका वैसे देखा जाए तो शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है आपका, सबसे ज्यादा दो बातें हैं, लेकिन वो दोनों भी बातें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। पहली बात, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आप बेसिकली आप इमोशनल हो, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सोचते हो, तो वही बात है, ज्यादा सोच विचार करने से आज आपका मतलब कोई किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तौर पर सिर दर्द होना, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है, या फिर जो व्यक्ति किसी व्याधि से त्रस्त है उनके लिए, खास करके कर्क राशि के लिए बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ऐसे जो लक्षण है वो आगे जाके बढ़ने की संभावना ज्यादा लग रही है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। तो अगर आपने इसके पहले कोई ऐसा काम किया है जो कि इलीगल है,
तो उसके संदर्भ में कुछ बातें आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। आज के दिन अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के डील आज आप नहीं करना। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हो फिर भी आपको कोई ना कोई तो घाटा या फिर लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपकी कोई संतान है तो संतान सुख में भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें आपको सामने आ सकती है, तो थोड़े पर तैयार रहना। ऐसी कोई बातें नज़र में आती है तो उस पर काम करना, उस पर अमल करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आपके घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो आप आयु से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें हो सकती है, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अचानक ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए आपने सोची भी नहीं थी, तो इसके लिए थोड़ा सा तैयार रखना। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में बातें सामने आ सकती है। आपके जो माता जी हैं उनके भी सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है, तो आपके लिए आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। मतलब अगर आपने कोई बड़ी ऐसी कोई बात सोची है, बड़ा ऐसा कोई प्लान आपके सामने है, तो वो इम्प्लीमेंट होने के संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आज आपके साथ हो सकती है, कुछ अच्छी घटनाएं आपके साथ हो सकती है जो कि पॉजिटिव रहेगी, जो आपके आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और आपकी राशि है थोड़ा बहुत सोचती है, इनडेप्थ सोचती है, तो वही बात होगी कि जो भी प्लान्स है उसके बारे में पूरी तरह से आप सोचोगे और उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में आप एक्टिव हो जाओगे, तो यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके जो भाई या फिर बहन होंगे उनके संदर्भ में उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें आपके कान पर आ सकती है, तो मेरे ख्याल से वही बात है। लेकिन आपके करियर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दिन आपका काफ़ी अच्छा और शुभ साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग लाभ योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं कि आज आपको आपके फैमिली के संदर्भ में खर्चे करने पड़ सकते हैं या फिर आपके फैमिली में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपके मन में ऐसी बात आ भी सकती है ये जो खर्चे हैं वो थोड़े अनवांटेड है, लेकिन आपको वो खर्चे करने पड़ेंगे ही। इसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो इतना नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन आपकी जो राशि है वो कभी मूड सामने नहीं लाती, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं वो बातें आपके जहन में रहेगी, आपके मन में रहेगी, तो वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन वैसे आपका नॉर्मल होगा, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके सेहत के बारे में हो सकती है। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो, मतलब लॉन्ग रन इफेक्ट में जो व्याधि चलती है 10 साल 15 साल 20 साल या फिर कई लोगों को मतलब उम्र भर किसी न किसी व्याधि से वो त्रस्त होते हैं जिसे हम एलर्जी भी कहते हैं, तो उसी प्रकार की व्याधि आज आपके लिए मतलब उसके जो लक्षण है थोड़े से तीव्रतम हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और करियर के बारे में ऐसे कोई प्रॉब्लम या ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, लेकिन यह जो लक्षण है उन लक्षण को पर सोच कर आपका जो पूरा दिन है थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं क्योंकि एकाध दो दिन में ये सभी बातें नॉर्मल भी हो जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा का लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे आज आपकी नोकझोंक हो सकती है या फिर उनसे विवाद हो सकते हैं और वो विवाद काफ़ी स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के कारण जो पूरा दिन है तो उसी में सोच विचार में आपका बीत जाएगा। अगर आपकी वैवाहिक जोड़ीदार किसी तरह व्याधि से त्रस्त है तो उसके संदर्भ में भी विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। जो पूरा दिन है पूरा दिन इसी बातों से बीत जाएगा, तो आपको लगेगा दिन आपका इतना अच्छा नहीं था। ऐसी कोई बातें बड़ी बात नहीं घटेगी जिसकी वजह से बहुत बड़ा घाटा होना या फिर
बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये जो मैंने बात कही इसी विचारों के कारण जो दिन है आपका सुना सुना ही बीत जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में ही स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर जो आपके अहदे से नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे वो लोग आपके विरोध में हैं या फिर ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है या फिर जिसे हम ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं उस प्रकार की कोई घटनाएं आपके सामने आ सकती है। उसी विचार से आपका जो पूरा दिन है उसी विचार में बीत जाएगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खास करके जो व्यक्ति ऑफिस में काम करते हैं या फिर नौकरी करते हैं उनके संदर्भ में आज का जो दिन है इतना अच्छा नहीं है। मतलब बहुत बड़ी ऐसी कोई घटना नहीं होगी लेकिन ऐसी जो बातें होती है ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है तो उसके संदर्भ में कुछ कोई ना कोई बात आपके सामने आ सकती है। यदि आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो वह लाभ आज के दिन आपको मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो मायूस नहीं होना, एक दो दिन की बात है, पूरा जो आपका मूड है वो नॉर्मल भी हो जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है वैसे देखा जाए तो आपकी राशि का जो मूड स्विंग है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, लेकिन आप आज आपका जो मूड होगा वो इतना अच्छा या फिर नॉर्मल नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है कि कोई घटनाएं नहीं होती लेकिन हमारा जो मूड होता है वो इतना नॉर्मल नहीं होता। तो आज आप खास करके जहां पर आपका करियर है उससे रिलेटेड जो बातें हैं छोटी मोटी बातें रहेंगी, उससे कोई उसका कोई बड़ा आपके इम्पैक्ट आपके लाइफ पर जीवन पर नहीं होगा, लेकिन उसी को लेकर आज आप ज़्यादा सोच सकते हो। तो मेरे ख्याल से और सोचना या फिर विचार करना ये आपकी आदत है, तो इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम या फिर आज का जो दिन है थोड़ा बहुत निराशपूर्ण हो सकता है लेकिन उसकी जो वजह होगी वो बहुत बड़ी नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात होती है तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करना क्योंकि ये सभी बातें हैं नॉर्मल हो जाएगी एक आध दो दिन के बाद। तो दोस्तों ये था दिनांक 25 अप्रैल के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।